कबीर साहब तो गाड़ी को बस खींच रहे, कोई गाड़ी खींच रहा है, कोई मार खींच रहा है, कोई मार भी रहा है। अब कबीर साहब को कुछ गुड्डे दिखता नहीं, सुनते नहीं लोग, हमारा छुपा को पैर लगा दिए, खेलने में लोग धारण कर दिए, दूसरा रास्ते से चले जाते, कई जगह मिलकर खाने का बीच बाजार से मिल जाएगा। अच्छा एक बार बता दो, आए भी लोग एक बार बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कभी साहब ने बड़ा ही मधुर आवाज में बोला, बेटा हमारी उम्र 80 साल है। क्या बोलो? हमारी उम्र 80 साल है। फिर दूसरा आदमी बोले, बाल को मैं खींच रहा था, हमको भी बताओ कितना उम्र है? बेटा 80 साल है, हमारी उम्र 80 साल है। बड़े ही मेरे बड़े भाव में वहां शादी बने थे कबीर साहब और विद्यार्थी, तो भूख लग गई थी, उनकी पत्नी भोजन पर आई घर, दोनों पहुंच गए घर, हाथ रख गए भोजन करने के लिए बैठे, उनकी पत्नी जो भोजन पर आई ना वो गलती से दोबारा नमक दोबारा मसाला कर दिया, नमक मसाला दोबारा कर दिया, मुझे बेकार हो गया, मुझे ज्यादा हो गया भोजन में, सब्जी में दाल में। अब कबीर साहब को किसी तरह साठ बन करके खा गए, लेकिन विद्यार्थी को खाया नहीं है, नमक ज्यादा है, मुझे ज्यादा है, आम से पानी बार बार पानी पी रहे थे, नहीं खाएंगे। देवी अपनी पत्नी से बोलते, देवी लालटेन जला दो, लालटेन जला दो, फरक दो। तो उनकी पत्नी यही पूछती है कि दिन में लालटेन की क्या जरूरत है, पति का आदेश है, तो लालटेन जला कर कर दिया। तो पूछते हैं आगे बढ़ते हैं दोनों पुलिस साहब और विद्यार्थी, विद्यार्थी का बाबा जो आपको दिए गए हमारा सवाल था, बोला क्या सवाल था तुम्हारा? बोला मैंने पूछा था कि साधु होना अच्छा है कि गृहस्थी होना अच्छा है, साधु होना अच्छा है कि ग्रस्त होना अच्छा है? बोले जब आलू तो दिन आता बेटा, बोला क्या? बोला देखा नहीं उस मैदान से गुजर रहे थे तो बच्चों ने हमको चक्कर काटा पड़ता है, बाल पकड़ के खींचा और पूछा आपकी उम्र कितनी है, आपका नाम क्या है? मैंने गुस्सा किया, मैंने गुस्सा नहीं किया, प्रेम से बोला आपने। तो अगर इतनी सहनशीलता तुम्हें है तो सन्यासी होना भी बहुत अच्छा है। अब लग्नेश के बारे में नहीं बताए, लग्नेश के बारे में बताया, देखा नहीं अपनी पत्नी को कहा मैंने लाठी जला दो, पति में लाठी की क्या जरूरत है? बोल सकती थी लेकिन है बोली, पति बता रही थी, पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, इसलिए पति से मुंह नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने लाठी जला करके रख दी। आपने देखा? बोला क्या? बोला हमारी पत्नी गलती से नमक दोबारा डाल दी, मुझसे ज्यादा डाल दी। क्या कहते हैं हमें समझ में, देवी आज मुझे बहुत बढ़िया हो गए, और उनकी पत्नी जब मुझे पत्नी सोचती है पत्नी ये हमारा पति कितना अच्छा है, जब भोजन करती है तो नमक भी जाता है बच्चा भी जाता है, बेकार हो गए हमारा, लेकिन हमारा पति कितना अच्छा है, हमारी समाज ने हमारा पढ़ाई किया। तो बताओ ऐसी पत्नी का पति पति भाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ऐसा अगर हो तो भी बहुत अच्छा है, होना भी अच्छा है, सन्यासी होना भी अच्छा है, लेकिन सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। एक पत्नी थी, पति आया हरजोत करके, हरजोत कंठ सुख रहा है पानी का, तो पत्नी बोलते तुम्हारा हाथ में नहीं जमा है क्या, ले लो ना, तुम्हारा हाथ में नहीं जमा है, लो ठीक है मर्यादा वाली बात है, मर्यादा वाली बात नहीं,
पति किसी बात को पत्नी है तो इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए पति को कि डांटो पटकारो मारो घर में आगे करो। जिस घर में जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है तो कहते हैं घर में गरीबी आ जाती है, लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए साइकिल के दो चक्कर होते हैं, एक चक्कर बड़ा हो जाए एक चक्कर छोटा हो जाए, दोनों चक्का बैलेंस हो गए थे तो दसवीं तभी चलती है जब दोनों हो जाता है, पति में भी पत्नी में भी है ना मजा आता है ज्यादा से कोई काम करें। छोटी छोटी बात में नहीं घबराएगी, घबरा जाते लोग अजी हमारा दो तरह नाटक लग गया अब क्या होगा, अकाल पड़ गया अब क्या होगा, हमारा बच्चा फिर हो गया अब क्या होगा, घर में आग लग गई अब क्या होगा, नहीं होगा हिम्मत से काम लेंगे। देखिए आग लग गई लगा दिया था नामदेव जी को मकान में आग लगा दिया था दुश्मनी से, नामदेव जी महाराज के घर में नौकरी में आग लगा दी तो सब चीज जल जाएगा। तो नामदेव जी ने देखा कि हमारे नौकरी में आग लगा दी है सब कुछ जल रहा है तो और सब सामान अगले नौकरी में ले तो कहा कि नामदेव को आ गया है सारे प्रभु की इच्छा अपनी इच्छा मिला रहे हैं, जब प्रभु की इच्छा है तो हम ये इसको बचा लेंगे तो इसको सुधार कर रहे हैं। निजानंद मस्ती में वही झूमता हूं इधर चाहता हूं उधर घूमता हूं चिंता कही की नकल बात कही की तिरकुल पत्र लपेटे सारे को डूबता है ना। तो इस तरह से समर्पण भाव रखना चाहिए, गुरु में समर्पण भाव होना चाहिए, परमात्मा में समर्पण भाव होना चाहिए। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं निष्कान कर योग करो, निष्कान करके गुरु नहीं बनो लोग लालच में पड़ करके कोई काम नहीं करो, काम करो भोजन बनाओ तो अपने लिए बनाओ। वेद में आया है केवल आगू केवल आदि है, केवल आगू केवल आदि सुनते जो अपने लिए घर में भोजन बनाता है कि हम खाएंगे हमारा बच्चा खाएगा तो अपना खून खाता है, लेकिन जो केवल भोजन बनाता है सेवा भाव से माता बने भोजन बनाती है तो देखते हैं चावल बनाती है ना पटलोई में दो चार चावल अग्निदेव को दे देती है, अग्निदेव को दे देती है पता बने भोजन बनाती है तो कुत्ता के लिए निकाल लेती है वो माता के लिए निकाल लेती है। ये अच्छा है अतिथि के लिए भोजन बनाओ तो अपने लिए भोजन मत बनाओ तुम्हारा बनेगा। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है महान काट के हमारे गुरु महाराज महान थे आठेला सत्संग जहां देखिए कहीं सतारिक ध्यानाभ्यास कहीं पाक्षिक ध्यानाभ्यास कहीं मासिक ध्यानाभ्यास जिला अधिवेशन अखिल भारतीय ये सब देन हमारे गुरुदेव का है। इसलिए ध्यानाभ्यासों को हम भाग लीजिए वहां जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा आप ध्यान करने वाले हैं। अब देखिए पांचवें ध्यान होता है होता है ब्रह्मों के नीति से चार फिर अगर किया कर संयुक्त होकर फिर पांच से छह ध्यान फिर छह से आठ साढ़े आठ बजे तक अस्तुति नीति ग्रंथ पाठ प्रवचन आरती है फिर अपने क्रिया कर उसके बाद फिर दस के ग्यारह ध्यान उसके बाद फिर पूजन फिर विश्राम फिर दो से तीन ध्यान फिर सत्संग फिर ध्यानाभ्यास इस तरह से कितना अच्छा है। हम लोग देखते हैं कई बार नहीं कर पाते भूल जाते हैं बहुत तरह की समस्या है लेकिन इसमें कर जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। इसलिए इन सारे आयोजन में भी सत्संग को भाग लेना चाहिए तो सत्संग करेगा ध्यान करेगा उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी ले जाती मोटा पहनना कपड़ा मोटा अनाज उसको मिल जाता है। भगवान की माया जी वो घसीटती है
दोबारा बड़ा चुंबक के बारे में, दो बड़ा बड़ा चुंबक, एक बड़ा चुंबक है, एक छोटा चुंबक है, ठीक है, और उसके बीच में लोहा रखा हुआ है। तो बड़ा चुंबक लोहा को खींचेगा तो छोटा चुंबक खींचेगा, बोलिए तो खींचेगा, बड़ा चुंबक को खींचेगा लोहा को तो छोटा चुंबक बड़ा खींचेगा। और हमारे पास में जो चुंबक है, एक चुंबक ईश्वरीय चुंबक है और एक चुंबक माया का चुंबक है। तो माया का चुंबक हमको खींचेगा, किस्मत का चुंबक खींचेगा, माया का चुंबक ही खींचेगा, क्योंकि माया का ज्यादा आकर्षण है, हमारा माया में फंसे हुए हैं। कहते हैं मधुमक्खी जो है छत्ता पर जान दे देती है, लेकिन मधु देव नहीं छोड़ती। हाँ, सत्संगी लोग सत्संग करते रहते हैं तो सत्संग करते करते मर जाते हैं, लेकिन एक होता है गोबर का टुकड़ा, तो गोबर को लुगाते रहता है, बराबर निष्ठा लुगाते रहता है, उबेला टुकड़ा, उबेला टुकड़ा नहीं बनी है, मधुमक्खी बनी है, मधुमक्खी सदा फूल पर बैठती है, और उबेला मक्खी कहीं बैठ जाएगा, निष्ठा को बैठ जाएगा, फूलों को बैठ जाएगा, पौधे को बैठ जाएगा, इसलिए कौन सा मक्खी बन रहा है, मधुमक्खी बन रहा है। मधुमक्खी बनी, सत्संग करिए, ध्यान करिए, अपना काम भी करिए, तो जीवन का कल्याण होता है। आज हम आदर कपेश्वर बाबू के घर में आए सत्संग करने के लिए, इनके तीन बेटा है, इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता है, संत महात्मा आता है, और जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। इन सबों के साथ बोलिए प्रेम से, सदगुरु।